एटा के तेज तरार IAS अधिकारी जॉइंट मजिस्ट्रेट SVM सदर एटा महेंद्र सिंह तंवर ने एटा में बन रही प्रदेश की सबसे अधिक क्षमता की जवाहर तापीय विद्युत परियोजना के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा करोड़ों रुपए की सरिया लूटने के गैंग का खुलासा किया। सटीक सूचना और फुल होमवर्क के साथ सरकारी गाड़ी दूर छोड़कर बाइक पर सवार होकर साधारण आम आदमी की तरह अचानक छापा मार कर किया सरिया लूट गैंग का पर्दाफाश। लूट के इस खेल में जवाहर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही दुसान कंपनी के बड़े अधिकारी भी शामिल। कई अधिकारियों के चेहरे हुए बेनकाब। होगी कड़ी कार्यवाही। एटा जिले में बन रही प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जवाहर तापीय विद्युत परियोजना के लिए कर्नाटक के बेल्लारी से आने वाला लोहे का सरिया परियोजना में पहुंचने से पहले ही एक बड़े गैंग द्वारा एटा के नेशनल हाईवे पर लूटे जाने का खुलासा आज एटा के जॉइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने किया है। अभी तक 16 ऐसे ट्राला को पकड़ा गया है जिनसे सरिया की लूट हो रही थी। 6 लोगों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है, जबकि इसका सरगना और कुछ सदस्य भाग जाने में सफल हो गए। एटा के जॉइंट मैजिस्ट्रेट और SVM सदर महेंद्र सिंह तंवर IAS ने नेशनल हाईवे 91 पर गोपनीय तरीके से छापा मारकर एटा में बन रही 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 1320 मेगावाट क्षमता की जवाहर तापीय विद्युत परियोजना के लिए बेल्लारी कर्नाटक से आने वाली सरिया के ट्रकों से रास्ते में जबरन रोककर उनमें से सरिया लूटने वाले गैंग को पकड़ा है। अब तक 16 ट्राला सरिया पकड़ी जा चुकी है और 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। मुनी मतरून और नाजिम और गोदाम का मालिक राजेंद्र फरार और मामले का सरगना विकास नागर फरार हो गया है। इस मामले में करोड़ों रुपए की सरिया गाजियाबाद से लाए थे, अभी यहाँ पहुँचा रहे थे मलावन। तो मलावन आपको पहुँचाना था ये माल, फिर यहाँ गाड़ी कैसे रुक गई आप? जी रास्ते में हमसे जबरदस्ती करी थी हमारी और भी गाड़ियाँ उनके साथ जो रुकवा दी थी, जबरदस्ती करते हैं यहाँ ले आए। किनका माल है ये, मालिक कौन है इसका? जी मालिक जो जी बिलों में लिख रहा होगा जी, ये तो पता नहीं। कितने ट्रक अभी तक ला चुके हैं आप? जी हमारा तो पहले चक्कर है। क्या नाम? मुनीम का क्या नाम है? नाजिम। तो वही सब कुछ ये करता है? हाँ जी, फिलहाल तो वही हमें लाता। तो आपको मालूम है ये कालाबाजारी की जा रही है, ये इसमें गलत काम है ये? जी जी जबरदस्ती करते हैं, मारते भी। कितने ट्रक ला चुके हैं इस तरह के अभी तक? जी हमारी कंपनी के जी आज ही आए थे, ऐसे हैं 13-14 ट्रक। सभी से माल उतारा गया है? जी आ गए हैं कुछ और कुछ पीछे हैं जी, जो हमारे साथ थे वो पीछे हैं, वो पकड़ लिए। 3 गाड़ी थी, 4 ही मेरी, चौथी मेरी आई थी पहले। तो माल सबसे ही उतारना था यहाँ? हाँ जी। क्या ये माल जवाहर तापी विद्युत परियोजना का है? सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ पे जवाहर तापीय के लिए जो सरिया आता है, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है, तो उसमें जो लोग सरिया लेके आते हैं ये बेलारी से निकल के आता है, गाजियाबाद की कोई फर्म है यहाँ पे। तो सूचना ये मिली थी कि ये ढाबा है बाबा दा ढाबा, इसके पीछे ये गोडाउन जो जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा है, वो इनको यहाँ से जबरदस्ती करता है कि इनको लालच देता है, ये जांच का विषय है। इनका ट्रक यहाँ पे अंदर गोदाम में करके उनमें से कुछ सरिया निकाला जाता है। ये ट्रैक्टर आप जो देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर जो है एक एक सरिया यहाँ से खींचता है और यहाँ से निकाल लेता है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें सरिया निकला हुआ है। उसके बाद में ये धर्म कांटे पे जाकर इसका वेट कराते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर भी इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते होंगे ये, और वेट पूरा करा के फिर ये जवाहर तापिया को उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें ये बीच में कालाबाजारी है सरिया की, सरकारी योजना हमारे यहाँ चल रही है, तो इसमें हम लोग इसमें जैसे ही सूचना मिली है इस पर रेड मारी गई है और इन लोगों को पकड़ा गया है। आगे पूछताछ की जाएगी, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे इसमें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। कितने ट्रक पकड़े गए हैं और उसमें कितनी जो है कितने लोग हिरासत में लिए गए? आज का जो प्रकरण है उसके हिसाब से ये ट्रक एक तो मौके पर रंगे हाथ पकड़ा है गोडाउन के अंदर, इसको किसी भी सूरत में जो है गोडाउन के अंदर नहीं होना चाहिए था, और कुछ ट्रक जो है बाहर सड़क पर खड़े हुए हैं। सूचना ये थी कि इसके बाद जैसे ये बाहर निकलता उसमें से एक ही ट्रक यहाँ पे आता, और कुछ ट्रक जो है आगे जा चुके हैं, तो 10-12 ट्रक जो है बताए गए हैं आज ऐसे हैं जो इसमें से माल उतारा जाना संभव था। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी हमारे सामने जो है ट्रक के ड्राइवर ये बैठे हैं, साथ में लेबर है, एक मुनीम था यहाँ पे वो फरार है, लेकिन उसका फोटोग्राफ हमने कर लिया है, वीडियोग्राफ भी है, तो उसको तुरंत जो है इसके और भी जो लोग इसके पीछे हैं उन सबको हम लोग पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।